भारतीय रेलवे रोजाना लाखों लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है। इन तमाम मुसाफिरों की भी आने वाले बजट से बड़ी उम्मीदें हैं कि भारतीय रेलवे में कुछ नया होगा, बेहतर होगा और उनका जो रेल यात्रा का अनुभव है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर बनेगा। लेकिन क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ चाहते हैं कि उन छोटे छोटे कदमों से रेलवे की तस्वीर कैसे बड़े पैमाने पर बेहतर बनाई जाए, इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय रेलवे की जो पहली कॉरपोरेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, इसमें मौजूद हैं तमाम मुसाफिर हमारे साथ हैं। दिल्ली से लखनऊ का ये सफ़र है, लेकिन इस सफ़र के दौरान हम ये भी जानेंगे कि मुसाफिर और क्या कुछ चाहते हैं कि उनका रेल यात्रा का अनुभव उसको और बेहतर बनाया जाए। शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, आप लखनऊ तक का जो सफ़र कर रहे हैं, रेलवे के नज़रिए से आप क्या चाहते हैं कि और क्या कुछ और प्रयास हो सकते हैं कि आपके अनुभव को और बेहतर बनाया जाए? मैं बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हूँ रेलवे से, बट डेफिनेटली अभी पिछले कुछ टाइम में हमने क्लीनलीनेस, जो साफ सफाई का एस्पेक्ट है, वो इम्प्रूव्ड हमने ज़रूर देखा है। बट पंक्चुअलिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा टास्क है ये कोई पंक्चुअलिटी इम्प्रूव करना, बट हाँ ये एक एरिया है जहाँ पर हमें ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए। इसके अलावा आप पहले जब यात्रा करते थे और अब जब यात्रा करते हैं, भले ही एक अच्छे गैप के बाद में करते हैं, सुरक्षा वगैरह के पैमाने पर आप कितना बेहतर मानते हैं या क्या सुधार आप देखते हैं? इम्प्रूव्ड है ये इतना बस कहूँगा कि हाँ पहले से बेहतर है। ठीक है, सफाई एक बड़ा एस्पेक्ट है और पंक्चुअलिटी पर भी लोग का कहना कि ध्यान दिया जाए। आप यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ प्रयास करके रेलवे को और बेहतर बनाया जा सकता है? सेम हेयर, पंक्चुअलिटी पे अगर ध्यान दें ना तो सफाई तो है, बेटर है और आई थिंक इम्प्रूवमेंट तो है बट पंक्चुअलिटी। और लगता है आप खाने पीने के जो रेलवे के जो खान पान है उससे ठीक ठाक संतुष्ट हैं आप? खान पान मैं घर से लेके आता हूँ, मैं रेलवे में। रेलवे में भी तो देती है आपको खाने पीने? तेजस में मेरा फर्स्ट आज एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। काफी अच्छा हुआ है खाना पीना, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। स्वर्ण शताब्दी से भी मैंने काफी बार ट्रैवल किया, तो फूड की क्वालिटी भी पहले से काफी बेटर हुई है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है और की मांग है। बाबू जी, आप भी जब भी रेलवे में सफर करते होंगे, क्या उन बातों पर आप गौर करते हैं कि उस पर अगर कुछ किया जाए तो रेल सफर और बेहतर बना जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और जैसे जैसे और इम्प्रूवमेंट, जैसे कोई टीवी वगैरह का सिस्टम जो है, अगर वो देते आदमी देखता रहे तो सफर अच्छा रहे, क्योंकि लंबा सफर होता है तो सफर के टाइम पर दिक्कत आती है आदमी को, तो टीवी सिस्टम हो तो उसमें वो भी ऐसा रहेगा, बोरियत भरा सफर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं अब्रॉड रहता था और मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आपको लगता है? फर्स्ट चॉइस जो थी वो फ्लाइट थी, लेकिन एक इसमें एक एक्सपीरियंस लेना था कि हाँ तेजस के बारे में बहुत सुना था बचपन से, यू नो देखते थे कि अब्रॉड में ऐसी ट्रेनें चलती, तो एक सपना था कि हाँ हम भी ऐसी ट्रेन में बैठे, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो हाँ पंक्चुअली है कि थोड़ा लेट है, लेकिन यू नो वेदर के हिसाब से होता है, इसमें हम लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, तो बाकी तो अभी अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है पंक्चुअलिटी के अलावा और क्या कुछ प्रयास हो सकते हैं कि जिसमें रेलवे सुधार करे और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर बनाया जाए? बेसिकली मतलब टाइम जो फैक्टर है, दैट इज द मेन फैक्टर। इस तरह की जो ट्रेन चली हैं उसमें डिले नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज मैं होटल से चेकआउट कर दिया था एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ चार्ट आई रिसीव द मैसेज कि ट्रेन रीशेड्यूल हो गई है। सो उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। इसको प्रोजेक्ट किया था कि टाइम में कोई डिले नहीं होगा, और जो आप ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, प्रॉब्ली दैट मे बी द सेकंड और थर्ड एस्पेक्ट, ओके नॉट फर्स्ट, बिकॉज जो भी लोग हैं वो स्मार्टफोन लेके चले, दे हैव द सफिशिएंट डेटा। टाइम प्लस लाइक डोर्स पहले ओपन हो जाना चाहिए। एक पॉइंट था कि आपने, एक तो आपकी वजह से पैसेंजर बाहर वेट कर रहे थे, आपने डोर को खोला 5:15 और 5:10, तो उनको मतलब अगर आपकी गाड़ी, बिकॉज आई हैव बीन सीइंग दिस ट्रेन, मतलब डोर ना खोलना इट्स नॉट एनी लॉजिक। जब ट्रेन खड़ी है तो डोर खोलने में क्या प्रॉब्लम है? एटलीस्ट बैठने के लिए सुविधा, बैठने के लिए। यस, मैं तो मतलब अकेला हूँ, लेकिन किसी के पास छोटे बच्चे हैं, सर्दी का मौसम है, तो उस तरह की इट्स लाइक कॉर्पोरेट बिजनेस, अगर आप उसमें डील करते हो, आप लाइक इफ यू गो टू द 5-star 3-star, तो आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वहीं से एक डिफरेंस क्रिएट मिलता है। बिल्कुल, तो उस तरह का कुछ होना चाहिए। वैलिड पॉइंट। तमाम मुसाफिरों से बात करी, एक बात साफ है कि पंक्चुअलिटी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के सभी यात्री चाहते हैं कि आप भले ही अन्य पैमानों पर आपको माफ़ी दी जा सकते हो, लेकिन ट्रेन का डिले होना ऐसा है जो पूरे उनके एक्सपीरियंस को काफ़ी ख़राब करता है।